बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री सह वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने सोमवार को धनबाद में मीडिया से बात की और कांग्रेस प्रत्याशी कृति झा आजाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृति झा आजाद झूठ की खेती करने में माहिर हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो खुद को दिल्ली का, दरभंगा गए तो स्वयं को दरभंगा का, और जब धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद को झारखंड का बता रहे हैं। जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में सभी 40 सीटों में जीत दर्ज करने का दावा करते हुए कहा कि उस समय नीतीश जी नहीं थे तो एनडीए 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब नीतीश जी के आने से सभी 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। मिथिलांचल के लोगों को भी आगाह करते हुए कांग्रेस के झांसे में नहीं आए हैं। वे एनडीए प्रत्याशी पीएन सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग मिथिलांचल के 2 से 2.5 लाख वोटर हैं। ऐसे में ये वोट पर निशाना साधना हर पार्टी का लक्ष्य है। साथ ही कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके आंख दिखाने से दुश्मन देश भी डरे, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। कृति आजाद जी वहाँ आए हैं बाहरी, पहले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, 98 में हार गए थे फूल मार्केट दिल्ली से, और तब वो दिल्ली में घूम घूम कर कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पिता जब एमपी हो गए तब मैं दिल्ली में पैदा हूँ, यही के सलाने हॉस्पिटल में मैं पैदाइश हूँ, इसलिए मैं दिल्ली वाला हूँ। 99 जब दरभंगा गए तो दरभंगा जाने के बाद उन्होंने कहा कि 500 साल पहले मेरा परिवार यहाँ से माइग्रेट करके गया था और अब मैं जड़ को ढूंढने आया हूँ और यही रहूंगा। मैं मैथिल हूँ, मैं मिथिलांचल में जीवन भर रहूंगा, मरूंगा भी यही और जीऊंगा भी यही। और आज 20 साल बाद मिथिला को बहुत धक्का लगा है जो मैथिल यहाँ है गया बोकारो में, और यहाँ आते ही उन्होंने कह दिया कि मैं मैथिल नहीं हूँ, मैं तो झारखंड का हूँ। तो मैं आपको भरोसा, मुझे विश्वास हुआ है जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो 23 तारीख के बाद पूरा पूरा मुसीको भावा वाला कहावत चरितार्थ होगी, वो दिल्ली वाले हो जाएंगे, यहाँ से वो चले जाएंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत विरोधी है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अच्छा ही उन्होंने यह प्रश्न किया, एक सिरफिरा उनके दिमाग में भी कई कमजोरी आई है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो आएंगे तो देशद्रोही कानून को खत्म कर देंगे, ये भारत में ये आतंकवादियों के समर्थक की बात है, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात है, भारत के दुश्मनों को मजबूत करने की वाली बात है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और देशद्रोही कानून और मजबूत होगा भारत के खिलाफ, जो हरकतें कोई करेगा देश के खिलाफ उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं थे, इस बार नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, हम 40 में 40 के जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। ये नहीं कहता कि जवान जब खाएंगे, लेकिन वो जीतेंगे नहीं ये मैं जानता हूँ। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और राजद एकाध खाता खोल ले तो गनीमत। लोकतंत्र के इस महापर्व पर धनबाद प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि मतदान निष्पक्ष और प्रभावी हो, साथ ही हर व्यक्ति मतदान के लिए प्रेरित हो। आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि 12 मई को निर्धारित की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऐसे में मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि 12 मई को निश्चित तौर पर वोट करने के लिए आए। इसके लिए धनबाद प्रशासन ने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे जिले को मतदान के लिए संकल्पबद्ध किया है। आशा है आप भी आगे आएंगे और प्रशासन के इस प्रयास को सफल बनाएंगे। मेरा स्पेशल अपील होगा दिव्यांग वोटर से, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन से हम लोग इस बार बैलेट पेपर ब्रेली में भी छपवा रहे हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज आप लोगों के लिए हम लोग मतदान सेंटर्स पे उपलब्ध करा रहे हैं, लाइक व्हील चेयर्स व्हीकल्स आप लोगों के लिए। और मैं स्पेशल अपील्स टू ईच एंड एवरीबॉडी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, आप लोग मई 12 को आइए और वोट जरूर डालें। आइए आप भी अपना वोट डालें और भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करें। हमारा सिर्फ एक वोट किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। ध्यान रखें, हमारा वोट अमूल्य है, मतदान जरूर करें।